बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आज इस्लामाबाद की जो मुअज्जज़ अदालत है उसके अंदर हमारे जो अटॉर्नी थे, हमारे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे फैसल चौधरी साहब, और हमारे इस्लामाबाद से जो MNA रहे, अब साबिक हो गए क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अली अवान साहब, उन्होंने असद उमर साहब की डायरेक्शन पर वहाँ पर एक एप्लीकेशन फ़ाइल की थी जिसमें हमारे सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान की 5th जनरेशन वॉर लड़ने में बड़ा क्लीदी किरदार अदा किया, जब पाकिस्तान की बका के ऊपर हिंदुस्तानी प्रोपोगंडे की यलगार थी, जब 5th जनरेशन वॉर का बहुत सारे लोगों को पता नहीं था वो क्या है, उस वक़्त जब हमारी, मैं ये कहूँगा कि हमारा जो आर्म्ड फोर्सेस के अदारे हैं वो इस सारी वॉर के साथ लड़ रहे थे, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास ये स्ट्रेंथ नहीं थी कि उस वॉर और उस बयानिए का, जो ऑनलाइन बयानिया था दुश्मन का, उसके ऊपर जवाब दे सकें। तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो वर्कर्स हैं सोशल मीडिया, इन्होंने सीसा पिलाई हुई दीवार का, ऑनलाइन सीसा पिलाई हुई दीवार का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के बयानिए को वापस भेजा सोशल मीडिया के ऊपर और दुश्मन के बयानिए को ब्लॉक किया, और जो 5th जनरेशन वॉर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी उसके अंदर एक बहुत ही अहम और कलीदी किरदार अदा किया। दूसरी बात यह है कि जो अफवाज पाकिस्तान, जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा कि बार बार कुछ अनासर जो हैं वो ऐसी कोशिश करते हैं ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की या ऐसी चीज़ें कहने की कि जैसे पाकिस्तान की जो बहादुर अफवाज हैं जिन पे हमें फ़ख्र है उनके और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस है या हमारे रैंक एंड फाइल से उनके ऊपर कोई तनकीद है। तो आप ये जहन में रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की एक मिडिल क्लास की पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक लीडरशिप से लेकर नीचे रुकन जो है वो मुहिब वतन पाकिस्तानी है। हमारी, जब हम किसी को वर्दी में देखते हैं ना पाक फौज की, उसके चेहरे को हम नहीं देखते, हम पाकिस्तान फौज की वर्दी को देखते हैं, क्योंकि जब ये वर्दी जाकर सरहद पे लड़ती है तो वहां पर चेहरे देख के आगे सीने पे गोली नहीं खाते, वो इस वर्दी के अंदर से गोली गुजर के उनके सीने तक जाती है। तो जब हम उस वर्दी को देखते हैं तो उस वर्दी के अंदर हमारी जान है। तो ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रुकन जो है वो इस वर्दी को, मैं दोबारा कह रहा हूं, चेहरे बदलते रहते हैं, कल कोई और था पर आज और है, कल फिर कोई और होगा, आज हम इधर, हमारी भी एक वर्दी है, हम भी सियासत कर रहे हैं, आज हम इधर खड़े हैं, कल अगली नस्ल इधर खड़ी होगी। जो मुहिब वतन है उसके खिलाफ कोई और मुहिब वतन बात करे, जैसे चौधरी साहब ने कहा, वो कभी पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। तो एक बात तो ये, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं और यहां पर जो खलश फैलाने वाले हैं वो ये बात जमा खातिर में रखें कि ये नून लीग नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करेगी, ये नून लीग नहीं है कि वो जरा सी उनको कोई परेशानी हो तो जो भी करीब मिले उसका कसूर हो या ना हो उसके ऊपर तबर्रा शुरू कर देंगे, और कोई ना मिले तो अपनी फौज के ऊपर तबर्रा शुरू कर देंगे, क्योंकि फौज के खिलाफ साजिश को बेचना बड़ा आसान है ऐसे ममालिक में जो पाकिस्तान की फौज को कमजोर देखना चाहते हैं। हम ये सहारा नहीं लेंगे, हम अपनी बहादुर फौज की एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं और साथ साथ अदालतों का भी एहतराम करते हैं, हमारे खिलाफ फैसला आए उसका भी एहतराम करते हैं। और आज जो एक फैसला आया है सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट पे, उस पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो FIA के अंदर लोग इस्तेमाल हो रहे हैं सारे काम में वो इस्तेमाल ना हो, इसलिए नहीं कि हम आपसे भीख मांग रहे हैं डर के, आप कर भी लेंगे तो क्या होगा, अल्लाह की जात ने लिखी होती है इज्जत जिल्लत भी उसने लिखी है, जिंदगी और मौत भी उसने लिखी है, आपने जो हमारे साथ करना है, जो अगर अल्लाह ने वो लिखा हुआ है तो वो होके रहेगा, अगर अल्लाह ने नहीं लिखा तो नहीं। लेकिन आपको सिर्फ एक बात समझा रहे हैं, ये जो तीन लोग खड़े हैं इनके साथ आप कर भी लेंगे तो शायद ये उम्र के उस हिस्से में है कि ये आपको और पाकिस्तान की स्टेट को और पाकिस्तान के स्टेट के इंटरेस्ट को सेपरेट करने की पोजीशन में है। आप जो 18-20 साल की कॉम्प्लेन फूंट रही हैं जिन जवानों की, जिनके सीनों के अंदर हिब्बुल वतनी है, जो अपने वतन का दिफा करना चाहते हैं, आप जब उनको झूठे केसेस में और झूठी चीजों में पकड़ते हैं बार बार, तो आप उनके, उनकी जो सोच है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। खुदारा ये ना करें, वो पाकिस्तान के जवान हो सकता है कल को किसी और कोई अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी बना लें, आपको क्या पता, वो उनकी कोई और सोच हो पॉलिटिकल, आज वो हमारे साथ हैं अगर, तो आप उनको उनकी सियासी सोच की वजह से निशाना ना बनाएं। हम इसका हर लम्हे हर तरह से उनका जो है वो करेंगे, तहफ्फुज भी करेंगे। और आखिरी बात क्या है कि आपके सवाल लेते हैं कि आपने देखा आज से सिर्फ 4-5 दिन पहले तक आपके यहाँ एक वजीर आजम था जिसका नाम इमरान खान था, जब इमरान खान था तो कोई भूखा ना सोए भी चल रहा था,
आज वो कह रहे हैं कोई भूखा सोए हमें कोई लेना देना नहीं, बंद है, लेकिन वजीर आजम हाउस के अंदर कोई भूखा ना सोए। 80-80, 100-100 लोगों के वलीमे हो रहे हैं अफतारी के नाम पे, नाम के ऊपर। आज वही टीवी चैनल जिनको हम बताते थक जाते थे कि महंगाई इंटरनेशनल है, मैंने जियो टीवी के ऊपर देखा कि बड़ी हेडलाइन थी 41 साल बाद अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी महंगाई। तो शुक्र है पहली अफतारी के ऊपर ही आपको बैरूनी महंगाई जो है वो याद आ गई। अभी तो आपने एक ही अफतारी की है वजीर आजम हाउस के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जरूर करें ये दावत वलीमा, ये आपका पुराना काम है, लेकिन खुदारा जो भूखे को इमरान खान खाना खिला रहा था वो कि अपने बहन भाइयों को नहीं खिला रहा था, अपने अजीजों को नहीं खिला रहा था, इस मुल्क के सिटीजन्स के लिए था वो प्रोग्राम, वो बंद ना करें। अभी पता चला आप हेल्थ कार्ड में भी रुकावटें डाल रहे हैं, अभी पता चला आप एहसास प्रोग्राम में भी रुकावटें डाल रहे हैं, उसको भी 3 गुना कम कर रहे हैं, अभी पता चला आपने अपने 3 जो है वो कैंप ऑफिसेस बना दिए हैं, अभी पता चला है आपने जिस तरीके से फवाद साहब ने कहा, एक ऐसा बंदा जिससे हमारे पीटीवी के लोगों को भी बहुत गिला, अपने पीटीआई के लोगों को भी गिला रहता था एमडी पीटीवी के साथ कि वो हमारी साइड क्यों नहीं लेता, वो दरमियान में रहता, पढ़ा लिखा प्रोफेशनल आदमी था, और आपने देखा कि उसके टेन्योर के अंदर हमेशा जो इंडिपेंडेंट लोग थे और इवन अपोजिशन के लोग थे उन्होंने आके रिप्रेजेंट किया पीटीवी के ऊपर, उसको एक मुनाफा बख्श अदारा बनाया, उसको निकाला जा रहा है। तो ये आपके जो हथकंडे हैं इनसे बाज रहे हैं। दूसरी तरफ जो आवाम का सुनामी उठ रहा है वो आपको कल पेशावर में नजर आ गया, कराची में आपको और नजर आएगा, और मैं अपने वोटर सपोर्टर को बता दूं कि आपका लीडर जो इमरान खान है उसके कुछ और प्लान है पब्लिक को एंगेज करने के, वो भी चंद दिनों में आपसे शेयर करें। चेंज के हवाले से बात की जाती रही कि बैरूनी साजिश है, आप और आपकी पार्टी के तमाम तर लोग हैं वो ये कहते रहे। आज डीजीआई एसटीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एक बाद में बयानिया जारी हुआ था उसमें तो ये कहा गया था उस वक्त के इंटरनेशनल रिजीम को ही है, लेकिन आज जो डीजीआई एसटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने कहा कि कोई ऐसी साजिश इन्वॉल्व नहीं है। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने इस तरह से कहा, डीजीआई एसपीआर ने कहा है कि क्या उसमें साजिश थी, उनका ये सवाल उसमें था क्या कोई साजिश का, उसमें क्या कोई साजिश का लफ्ज था, साजिश के उन्होंने कहा, उन्होंने कहा एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी तरफ से अल्फाज में नहीं बना सकते जो अल्फाज, उन्होंने कहा कि क्या उसमें कोई साजिश का मामला था। यही तो हम कह रहे हैं कि इसके लिए तो कमीशन बनना चाहिए ना, अगर एक कमीशन बनेगा उसके सामने सवालात आएंगे, सवालात क्या होंगे, पहली बात तो हम तो उससे भी पीछे हैं, हम तो कहते हैं पहले तो आप ये कमीशन बने जो ये तय करे कि ये खत सही था या नहीं था, फिर ये तय करे कि ये खत ऑफिशियल मीटिंग में दिया गया था या नहीं दिया गया था, नोट टेकर्स थे या नहीं थे, धमकी दी गई थी या नहीं दी गई थी, हैंडलर्स कौन थे, लोकल हैंडलर्स कौन थे, फिर पता चलेगा कि ये जो 8 लोग हैं, मसलन आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि राजा रियाज हैं, वजिया अकरम हैं, ये कितने के बड़े हेनरी कैसेंजर हैं कि इनसे मुलाकातें हुई, जाके एक दो और लोगों के भी ऐसे ही नाम है जिनको नाम लेके हंसी आ जाती है कि इन्होंने बात वहाँ पे कैसे की होगी। तो ये जो लोग हैं इनसे जो अमेरिकन एम्बेसी में मुलाकातें हुई तो वो क्या मुलाकातें हुई, यही तो कमीशन है। मैं तो ISPR की जो बात है उसकी मुकम्मल तायद करता हूँ और मैं समझता हूँ उन्होंने बिल्कुल सही सवाल रेज़ किया है, लेकिन इसका जवाब बहरहाल कमीशन ने, इंडिपेंडेंट कमीशन ने देना है और चीफ जस्टिस साहब जितनी जल्दी बना दें उनकी मेहरबानी। अच्छा एक और सवाल चौधरी साहब, एक ये कहेगा कि इस्तीफे जमा करा दिए, मंजूर भी हो गए, अगर इलेक्शन कमीशन का फारूक साहब का ट्वीट था फौरी इंतखाबात, अगर इलेक्शन कमीशन इस पर जमनी इंतखाबात करा देती है तो बात तो फिर सवाल तो बस ठीक है, अगर 123 हल्कों में और उसके बाद अभी 5 और आने हैं क्योंकि वो मुल्क से बाहर हैं, अगर 130 के लगभग हलकों में इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इलेक्शन करा सकता है तो उसका मतलब है वो जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है, तो अगर वो जनरल इलेक्शंस के लिए तैयार है तो फिर जनरल इलेक्शन करवा सकते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अपने पाँव पे खड़े हों, हर बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ना भागें, उससे सुप्रीम कोर्ट की और जजेस को खामखा सियासी मामलात में घसीटा जा रहा है और जजेस को भी अवॉइड करना चाहिए। और नौजवान साहब आखिरी सवाल है कि वज़ीर आज़म जब पाकिस्तान थे, जब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त जब ये एंड में जो हालात थे सब आपके सामने, उसने कहा कि वज़ीर आज़म ने उन्होंने ऑप्शन दिए जिसको वज़ीर आज़म ने रिजेक्ट किया था, जो 3 ऑप्शन वज़ीर आज़म को दिए गए थे, लेकिन DGISPR ने कहा कि कोई हमने ऐसे ऑप्शन नहीं दिए बल्कि वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से हमसे ऑप्शन मांगे गए थे जिस पर हमने आगे से कहा। देखिए बात यह है कि कई गुफ्तगू हुई है और उसमें जाहिर है कि फौज भी कंसर्न है हमारे इस मामले के ऊपर, तमाम लोग जो होंगे वो कंसर्न होंगे और रेजोल्यूशन जो है वो हर इदारा चाहता है
और मेरा ये ख्याल है कि फ़ौज का किरदार जो है वो बड़ा अच्छा रहा है। अभी भी देखिए, अगर वो गैर सियासी रहना चाहते हैं तो जिस तरह उन्होंने ख़ुद कहा है कि उनको ना घसीटा जाए सियासी मामलात में, मेरा ये ख्याल है कि उसका एहतराम करना चाहिए और हमें सियासत में उनको नहीं घसीटना चाहिए। मामलात सियासी जमातों ने ख़ुद तय करने हैं, और अगर ये हुकूमत इलेक्शंस अनाउंस कर दे ज़बरदस्त है, नहीं कराएंगे तो हमने तो फैसला किया हुआ है कि आज़ादी हमने छीन के लेनी है, और आज़ादी आएगी इलेक्शनों से, आम आदमी की वोट तय करेगी कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में हुकूमत कौन बनाएगा। ये फैसला किसी गैर मुल्की दारुल खिलाफे में नहीं हो सकता, ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने अपने वोट से करना।